नमस्कार दोस्तों, अभी आप देख रहे हैं दैनिक लाइव न्यूज 24। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबरों पे। जमुई से विजय कुमार की रिपोर्ट। मतदाता की सशक्त भागीदारी को लेकर जिला प्रशासन ने निकाला साइकिल यात्रा। जमुई 2020 विधानसभा आम निर्वाचन के शंखनाद के साथ ही जिला प्रशासन इस लोकतंत्र के महापर्व में मतदाता की अधिक से अधिक भागीदारी को लेकर हर तरह से प्रयासरत है। इसी उद्देश्य को लेकर मंगलवार को समाहरणालय परिसर से मतदाता जागरूकता अभियान के तहत साइकिल यात्रा निकाला गया। यह साइकिल यात्रा समाहरणालय परिसर से निकलकर कचहरी चौक के रास्ते अतिथि पैलेस से होते हुए महिसोडी चौक पहुंची। फिर यह यात्रा महिसोडी चौक से पंचमंदिर के रास्ते थाना चौक बाजार होते हुए समाहरणालय पहुंची। कार्यक्रम की जानकारी देते हुए उपविकास आयुक्त आरिफ हसन ने बताया कि आज से शुरू की गई यह साइकिल यात्रा जमुई गिद्धौर एवं झाझा प्रखंड के मतदाताओं को अपने मताधिकार के लिए जागरूक करेगी और आगे भी यह मतदाता जागरूकता अभियान जन जन तक पहुंचेगा। उन्होंने कहा कि मतदाताओं की सकारात्मक भागीदारी से निष्पक्ष एवं पारदर्शी सरकार चुनने में सहूलियत होती है जो अगले 5 साल तक जनता के हित और विकास का काम करती है। अर्थात जितनी अधिक जनता की भागीदारी होगी उतना ही अधिक हमारा लोकतंत्र मजबूत होगा। कोरोना काल में हो रहे इस चुनाव को लेकर श्री हसन ने कहा कि निर्वाचन आयोग के गाइडलाइंस एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा सुझाए गए सुरक्षात्मक उपाय को ध्यान में रखते हुए जन जन को इस महापर्व में शामिल होना है। इसके तहत फेस मास्क, हैंड ग्लव्स, सैनिटाइजर तथा अन्य तरह की स्वास्थ्य सुरक्षा व्यवस्था का जिला प्रशासन पूरा ख्याल रख रही है एवं जनता को भी इसका उचित ध्यान देना है ताकि लोकतंत्र के इस महापर्व में किसी तरह की चूक ना हो। मालूम हो कि 28 अक्टूबर को होने वाली प्रथम चरण के चुनाव में मतदाताओं की अधिक से अधिक भागीदारी को लेकर ऐसे कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इस साइकिल यात्रा के मौके पर उप विकास आयुक्त आरिफ हसन, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी डॉक्टर राकेश कुमार, अन्य पदाधिकारीगण सहित कई ने मतदाता जागरूकता अभियान में हिस्सा लिया। जागरूकता अभियान के तहत जो है जमुई में साइकिल रैली किया गया है और यह 3 ब्लॉक्स में किए जाएंगे, जमुई में, गिद्धौर में और झाझा में। मकसद क्या है? मकसद यही है कि जो जन मतदाता है सभी लोग घर से बाहर निकलें और जो आगामी चुनाव 28 तारीख को जो पार्टिसिपेट करें और जितना जितना पार्टिसिपेट करेंगे हमारा लोकतंत्र। कई लोग सर ऐसे हैं जो कोरोना के भय से नहीं निकलना चाहते हैं, उन लोगों का उन लोगों को क्या कहना चाहेंगे सर? इसमें वही है कि इस बार सरकार चुनाव में देखते हुए इलेक्शन कमीशन ने बहुत पुख्ता इंतजाम किया है, सभी तरह के जो है कोरोना से बचाव के लिए सचेत का इंतजाम किया। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर सभी लोगों ने मास्क लगा रखा है, सैनिटाइजेशन कराया गया। उसी तरह बूथ पर जो है इस बार हेल्प डेस्क रहेगा, हेल्प के कर्मी रहेंगे, इसके अलावा मास्क का उपयोग किया जाएगा, सैनिटाइजर रहेगा। लेकिन सभी को इलेक्शन कमीशन ने इंतजाम किया है तो आप बेफिक्र होकर गए, सिर्फ अपना जो है बचाव करें, मास्क लगा जरूर आए वोटिंग करने के लिए, वोट मतदान करने से जरूर।